वीडियो शुरू करने से पहले कुछ लाइंस बोलना चाहूँगा। सफ़र में धूप तो बहुत होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो बहुत होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, अगर तुम खुद को संभल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता मेरे दोस्त, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता मेरे दोस्त, अगर तुम मुझे गिराकर खुद संभल सको तो चलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज की ये वीडियो एक तरह से मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है पबजी लाइट के कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स के लिए। जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले ऐसे तीन टॉपिक्स के ऊपर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारी ऐसी क्लाइंट्स को देखा है, बहुत बड़ी बड़ी कॉम्पिटेटिव क्लाइंट्स को देखा है, जिन जो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ करती हैं और उसके चलते वो बड़े बड़े टूर्नामेंट से स्क्रीम से डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एक मिस्टेक आपकी टीम को टॉप ऑफ द टेबल या फिर बॉटम ऑफ द टेबल दिखा सकती है। तो आपको कहीं ना कहीं हर मिस्टेक पर आपको काम करनी होगी और उन गलतियों को ठीक करना होगा। तो बस बात कर लेते पहले गलती की। जो पहला हमारा पॉइंट है वो है डोंट बी पैनिक। सबसे पहले मैंने बहुत सारी क्लाइंट्स को, बहुत सारे प्लेयर्स को देखा है जो कि काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन वो किसी न किसी मोमेंट पे आके पैनिक हो जाते हैं। जब आपके ऊपर दो या फिर दो से तीन प्लेयर्स पुश करते हैं एक साथ, तो आप कहीं ना कहीं पैनिक हो जाते हो और अपनी स्ट्रेटजीज़ को, अपने गेम को, अपने गन गेम को भूल जाते हो और उस टाइम पे आप पैनिक हो जाते हो। और वो चीज़ हमें नहीं करनी है, वो गलती जो कि बहुत सारे प्लेयर्स करते हैं वो हमें रिपीट नहीं करनी है। हमें पैनिक नहीं होना। अगर आपके पास, आप किसी सिचुएशन में फंस चुके हो जहाँ पर आपके ऊपर प्लेयर या फिर पूरी स्क्वाड पुश कर रही है, तो आपको क्या करना है कि पहले आपको ये एनालाइज करना है कि इस जो सिचुएशन है, ये जो यहाँ पर प्लेयर्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं और आप पे जो पुशिन होगा वो किस किस एंगल से होगा, तो आपको उसके हिसाब से ही डिफेंड करना है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा वो है हमारा गेम सेंस। जी हाँ, गेम सेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसे एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर जो फ्लाइट पथ बना है वो है फैक्ट्री से लेकर नॉर्थ हिल की तरफ, और जो हमारी लैंडिंग हुई थी वो हुई थी पैलेट प्लाजा में। और अब सपोज करो कि जो सर्किल कटा हुआ है वो है ओल्ड बसिंग की तरफ, तो हमारे पास रोटेशन देने के लिए चार पाथ्स हैं। अगर हम बात कर ले पाथ नंबर वन की, जो कि सिंग डेटा से होके जाता है, और पाथ नंबर टू सेंट्रल रोड से, पाथ नंबर थ्री हमारा थर्ड हिल के बगल से जाता है इस डिस्ट्रिक्ट से होते हुए, और पाथ नंबर फोर वेयर हाउस और ईस्ट पोर्ट की तरफ से जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पाथ नंबर टू और थ्री की, क्योंकि ये मिड में आते हैं। तो पाथ नंबर टू की मैं बात कर लूँ तो इस वाले रास्ते से मैं जाना प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर फ्लाइट पथ की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल रोड और थर्ड हर जगह पे बंदे होंगे और स्टेडियम पे तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ से आपको स्प्रे कंटिन्यू आएगा ही आएगा, और एक दो नॉक अगर निकल जाता है तो आपकी टीम के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। तो पाथ नंबर थ्री को देखते हैं। पाथ नंबर थ्री जो है ये भी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ से होती है, डिस्ट्रिक्ट में एक टीम आती है और थर्ड हिल की तरफ भी टीम आनी है। तो आपको पाथ नंबर फोर या फिर पाथ नंबर वन में से किसी को चूज़ करना होगा। अकॉर्डिंग टू मी पाथ नंबर वन इज़ मोर सिक्योर देन पाथ नंबर फोर, क्योंकि पाथ नंबर वन में सिंग डेटा में बहुत सारी टीम्स नहीं जाती है, सिर्फ एक दो टीम जाती हैं और वो भी अर्ली फाइट के चलते किसी न किसी एक कॉर्नर पे होगी। तो आप बहुत इजी रोटेशन ले सकते हो और आप पीछे की तरफ, जो ओल्ड बसिन के पीछे आपको पता होगा पहाड़ी होती है, वहाँ पे आप जाके होल्ड कर सकते हो। तो गाइस इस तरह से हमने समझ लिया कि गेम सेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत है रोटेशंस के अंदर। और गाइस हम बात करेंगे अपने थर्ड टॉपिक के ऊपर। हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो है ओवर कॉन्फिडेंस। जी हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा खराब होता है किसी भी प्लेयर्स के लिए, और मैं एक तरह से वार्न करना चाहूँगा हर एक कॉम्पिटेटिव प्लेयर को जो ऐसी गलतियाँ करते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर कमिट होकर कहीं ना कहीं आप किसी भी क्लच के लिए घुस जाते हो और सामने वाली टीम आपके ओवर कॉन्फिडेंस का फ़ायदा उठाकर आपको वाइप आउट कर देती है। और चौथी सबसे बड़ी गलती मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लॉबी में पहुँचते ही बहाने मारना शुरू कर देते हो। गेम का लैग था, पिंग का इशू था, टीममेट का कवर नहीं मिला, ऐसे बहाने। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप बहाने न करके अपनी गलतियों पर काम करें और डे बाई डे खुद को इम्प्रूव करें। हाँ, इसमें समय तो लगेगा और मेहनत भी लगेगी, लेकिन याद रखना हीरे को जब तक तराशा न जाए तब तक उसमें चमक नहीं आती। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो एक लाइक और एक शेयर डिजर्व करता है, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।